नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस टेस्ट 3। दोस्तों, अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो साथ साथ क्लियर हो सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी साथी हमारे पहली बार आए करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लगें, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी जगह इस वीडियो को जल्दी से शेयर करिए, ताकि जो लोग एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी कोई भी एग्जाम है, सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी करें, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? इसका सही आंसर होगा 1929 में। ठीक है, 1929 में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 1929। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी? तो देखिए कब, 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, याद रखिए किसने रखी थी, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी 1940 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आपके एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा मोल हाई होता है, ताकि हम आपको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए कौन थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर होगा पैथ्रिक लॉरेंस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन थे, पैथ्रिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए कब मनाया गया था, 1930, 1930 में आज़ादी से पहले प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, याद रखिए। ऑप्शन डी 1930 राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब अपनाया गया था? तो देखिए कब अपनाया गया था, 1952 में, 1952 में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे, 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए कोलकाता में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किसको कहा जाता है, कांगो देश को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो देखिए कांगो को क्या कहा जाता है, वनों का देश, यहाँ पर वन जो है बहुत ज़्यादा संख्या में है, ठीक है, इसलिए इसको वनों का देश कहा जाता है, कांगो को। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, क्रेटर। ठीक है, जो ज्वालामुखी का मुख होता है ना फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है क्रेटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी क्या नहीं बनाती है, डेल्टा, याद रखिए। और जो गंगा है, कृष्णा है, गोदावरी, ये तीनों नदियां क्या हैं, डेल्टा बनाने वाली नदियां, ठीक है, याद रखिए। और ताप्ती क्या है, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखिए। गंगा, कृष्णा और गोदावरी क्या है, डेल्टा बनाने वाली नदियां। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, देखिए एस्चुरी। ठीक है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती, जो उनका मुहाना जो होता है उसको कहा जाता है एस्चुरी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए जो चट्टानों से गर्म और तरल पदार्थ निकलता है ना, उसको क्या कहा जाता है, मैग्मा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं, प्रेरी। ऑप्शन सी हमारा
राइट आंसर होगा, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है ना, उनको कहा जाता है क्या, प्रेरी कहा जाता है। याद रखिए, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अमेरिका, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, जो अफ्रीका के अंदर उष्ण घास के मैदान है ना, उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सवाना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान हैं उनको सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा वेल्स। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, सवाना क्या कहा जाता है, उष्ण घास के मैदान जो है, ठीक है, जो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है उनको सवाना कहा जाता है, और वेल्स कहा जाता है अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, दाहिनी तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं, तो देखिए किस माध्यम से, ठोस और गैस, ठीक है, याद रखिए, जो दाहिनी तरंगें ना वो ठोस और गैस दोनों माध्यम से होकर चल सकती हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट है, किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो देखिए किससे, कांच से होकर, ठीक है, प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, कौन सा होता है, छठा आवर्त, ठीक है, याद रखिए, आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्त है वो है छठा आवर्त। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त, वहां पे बात हो रही थी सबसे बड़ा कौन सा होता है, जो छठा होता है, छठा आवर्त होता है ना, वो सबसे बड़ा आवर्त होता है, अब बात हो रही छोटे आवर्त की, तो देखिए सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है, जो पहला आवर्त होता है, ठीक है, जो आवर्त सारणी का पहला आवर्त है वो सबसे छोटा होता है, और जो छठा आवर्त होता है आवर्त सारणी का, वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिए दोनों क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, सात, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, गर्दन के अंदर कशेरुकी की संख्या होती है सेवन, सात, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया, इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए 1896 में, 1896 के अंदर राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार, ठीक है, देश में अब तक जो है आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, कितनी बार होती है, 3 बार, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, अंतरराज्य परिषद की बैठक जो है साल में, वर्ष में 3 बार होती है, एक वर्ष में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी, तो देखिए सही आंसर होगा 1781, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी, 1781 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री, 23 सही, 1/2 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, कौन सा है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा मालदीव, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला देश है एशिया के अंदर मालदीव, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, तो देखिए कौन सा महाद्वीप है, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स यूरोप, ठीक है, काफी बच्चे जो है इसको ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रेंड्स जो है ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा यूरोप, ठीक है, यूरोप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ज्वालामुखी की बात होगी तब ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ पे बात हो रही मरुस्थल की, ठीक है, तो यूरोप हमारा राइट आंसर होगा, याद रखिए दोनों क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन करते हैं, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, याद रखिए द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइसलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल्टिंग। याद रखिए आइसलैंड की जो संसद है ना उसका क्या नाम है? एल्टिंग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा गुलाब का फूल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ना उसका क्या नाम है? गुलाब का फूल है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? किस देश की है? मलेशिया देश की। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बरनामा जो है वो मलेशिया देश की क्या है? समाचार एजेंसी का नाम है। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा मोर लाइक होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम सभी जगह जल्दी से शेयर करिए। और आपके जितने भी डाउट हैं वो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिए, ताकि हम आपके यहाँ पर सभी डाउट क्लियर कर सकें और आप अपने एग्जाम के अच्छे अंक के साथ क्लियर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।